दोस्तों, मैं आदित्यनाथ यूट्यूब से बोल रही हूँ। आप लोग तो लॉकडाउन में बैठे हो, स्वस्थ हो, ठीक है? स्वस्थ हो और स्वस्थ रहो और सेफ रहो, ठीक है? अब तो लॉकडाउन में बैठे बैठे बोरियत हो रही है, तो क्या किया जाए? चलिए अब हम बच्चों को थोड़े से सैनिटाइजर सिखाएंगे। आओ बच्चों, सैनिटाइजर सिखाएंगे तुम्हें। सैनिटाइजर सिखाएंगे, ठीक है? सैनिटाइजर कैसे बनाया जाता है? पहले हम देखो, इसमें हमने पानी पहले से लेकर रखा है। ये देखिए, पानी लेके रखा है। पानी में हम 2-4 बूंद नारियल, इस तरह के नारियल के तेल आप ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने वर्जिन नारियल तेल लिए है, आप भी ले सकते हो। अब देखो, हम कोई भी नारियल तेल ले सकते हैं। हाँ, अब देखो, इसमें हमने नारियल तेल डाल, 5 ml मैंने डाल दिया। उसके बाद हमने लौंग थोड़ी से डाल दी, ठीक है? थोड़ी चुटकी से कर्पूर डाल दिए, ठीक है? अब कर्पूर डालने के बाद अब थोड़े से डेटॉल हम लोग लास्ट में डालेंगे, ठीक है? इन लोगों को उबालने देते हैं। ये हाँ, ये मैंने ढक्कन से रखा। और इस तरह के आपके पास बॉटल होंगे, इस तरह के बॉटल में आप ये डाल दीजिएगा और शेक कीजिएगा। देखिए, आपका आसानी से सैनिटाइजर, सरल सा सैनिटाइजर रूम में बन चुका है। देखिए, अब हमारा ये उबल चुका है। अगर किसी के पास इंडक्शन है तो कैसे भी कर सकते हैं। हाँ, करेंगे, कोई बात नहीं है। अब देखो, हम डालते हैं। कोई जरूरत नहीं है, ये हमने डाल दिए। अब देखिए, ये है डेटॉल, ठीक है? हमने 5 ml डेटॉल डालना है, ठीक है? ये देखिए, ये देखिए, डाल दिया। अब देखिए, बढ़िया सा हो जाएगा। अब इसको हमने रखना है। शेक कीजिए अच्छे तरह से, शेक कीजिए। देखिए, अब तो थोड़ा सा गर्म गर्म होगा, बाद कुछ घंटों के बाद ये ठंडा हो जाएगा। तो देखिए, यूज कीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से बनता है। ये देखिए, शेक कीजिए। अब शेक करने के बाद आपके पास अगर इस तरह के बॉटल होंगे, कि बच्चों को तो गर्म गर्म नहीं डालेंगे ना हाथों पे, तो हाथ जल भी सकते, तो थोड़े से इस पे डाल लीजिए। इस तरह के कंटेनर में थोड़े से डालें, ठंडा हो गया। और आइए देखिए, थोड़ा सा डालो हाथों में, तो अभी थोड़ा सा गर्म है क्योंकि ये बनाया है हमने ना अभी अभी। हम जब इसको बनाने के बाद ये ठंडा हो जाएगा, तब भी ये क्या ऐसा ही इफेक्ट करेगा? हाँ हाँ, जरूर करेगा। ये देखिए, तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये हमारा सरल सा सैनिटाइजर, ठीक है? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, और सबको शेयर कीजिए। अगर पसंद आए तो आप खुद भी घर पर बनाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ना भूलिएगा सब्सक्राइब करने। देखिए, वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज बेल आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।